पैसे जाने की लड़का कौन पैसा दिया मेरे कोई आदेश नहीं है रजिस्ट्रेशन में पैसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता नमस्कार दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। अवैध वसूली को लेकर छात्रों ने किया आंदोलन। आज स्नातक पाठवान के सत्र 2023-27 के छात्रों ने अवैध वसूली को लेकर किया आंदोलन। इस आंदोलन के बाद छात्रों ने बीएसएस कॉलेज बचरी के प्रधानाचार्य से मिलकर ज्ञापन दिए हैं। यह अवैध वसूली पंजीयन पत्र देने के क्रम में 200 रुपये अवैध रूप से लिया जा रहा था, जहाँ कुछ छात्रों को नामांकन रद्द करने तथा परीक्षा में न सम्मिलित होने देने का डर दिखाकर पैसे की अवैध वसूली की गई थी। इसी क्रम में छात्रों ने एकजुट होकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किए हैं। आंदोलन के बाद प्रधानाचार्य से मिलकर अवैध वसूली के खिलाफ ज्ञापन सौंपे। इस ज्ञापन के माध्यम से अवैध राशि को वापस करने की मांग की है। अगर दिनांक 9/11/2023 को वह राशि वापस नहीं होती है तो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन के साथ कॉलेज गेट के सामने स्टेट हाईवे को जाम करने का चेतावनी दिए। अवैध वसूली के क्रम में एक छात्र प्रीतम के द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था तो उसे कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा पकड़कर उस छात्र के मोबाइल से वीडियो डिलीट कराया गया। इसी बीच झड़प के क्रम में उस छात्र के मोबाइल का स्क्रीन भी फूट गया। इस आंदोलन में बीएसएस कॉलेज बचरी के राजा कुमार, बट्टू कुमार, अंकेश कुमार, विवेक कुमार, धीरज कुमार, राहुल कुमार, मुकेश कुमार, रवि पटेल, शुभम, पूजा कुमारी, आंशु कुमारी, काजल कुमारी, उषा कुमारी, नेहा कुमारी, नीकू कुमारी सहित सैकड़ों छात्र मौजूद रहे थे। जी हाँ दोस्तों, यह रवैया जो है जितने भी बिहार में प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर चल रहा है। सरकार को इस पर गहराई से देखना चाहिए कि क्यों आखिर अवैध वसूली की जा रही है, आखिर क्यों गरीब वंचित छात्रों को जो है इस तरह से परेशानी किया जा रहा है। फिलहाल आप लोग देखिए किस तरह से छात्र उग्र हैं। मेरा भी लगा नहीं है, हम दिए नहीं है, 200 रुपया के लिए आए 200 रुपया। और फिर जब स्टार्टिंग में जब हम लोग देखिए हम लोग को 3600 रुपया लगा था वहाँ पर, जब स्टार्टिंग में हम लोग नामांकन करवाए थे उसमें रजिस्ट्रेशन में 600 रुपया लिखा हुआ था, हम नहीं तो दिखा सकते हैं। उसमें 3000 लगा था स्कूल फीस और 600 रजिस्ट्रेशन का लगा था, उसमें लिखा हुआ 600 रुपया लगा है। और जब नामांकन का फॉर्म फी लगा है 500 रुपया आप देखिए सैकड़ों लड़का यहाँ है, आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फी नहीं लिया गया है, ये लड़का बोल रहा है लिया गया है। क्या कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, जब तक पिछला पैसा वापस नहीं होगा इन लोग का रजिस्ट्रेशन का। सर एक मिनट, पैसे जाने की लड़का कौन पैसा दिया? सर रजिस्टर पे जो हुआ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन में पैसा लिया गया, मेरे कोई आदेश नहीं है रजिस्ट्रेशन में पैसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इन लोगों का कहना है, सुनिए सुनिए सर, सबका कहना है कि आपके रजिस्टर पे लिखा हुआ है जितना लोग का पैसा लिया है, आपके रजिस्टर पे लिखा हुआ है कभी 1000 कभी 1000 1000 नहीं 200 200 200 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए 200 रुपए
आपने बातचीत दिए आज पैसे वो वापस करिएगा सर। ए वो गलत मत करिएगा ना, आप वापस करिएगा। हम पे रजिस्टर पे लिखा है आप पे दिए, हमको एथी कराइए, उन लड़कों का नाम लिख कर दिलवाइए। अच्छा हम देखते हैं कि कैसे ये लोग दिए हैं। अच्छा लैला कितने लोग दिए? धन्यवाद, कोई हल्ला नहीं करेगा सर। परीक्षा अभी तक।